बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉस एडजस्टमेंट जो है इस हवाले से सेक्शन नंबर 56, 57, 58 और 59 जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, ये जो है गाइडेंस फ्राहम करते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ देने हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो लॉस एडजस्टमेंट के बारे में देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है सेम ईयर लॉस एडजस्टमेंट, यानी कि बेसिकली ये जो रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ईयर लॉस एडजस्टमेंट क्या होती है कि एक हेड ऑफ़ इनकम के अंदर आपको लॉस हुआ है तो उसको किसी दूसरे हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट सेम टैक्स ईयर में एडजस्ट करना अलाउड है या नहीं अलाउड, ये डिस्कशन है। और दूसरा नीचे ब्राउन कलर में लिखा गया है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हेड ऑफ़ इनकम में अगर आपको लॉस हो गया है तो उसको नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना कानूनी तौर पे अलाउड है या नहीं अलाउड। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा है जी, यानी कि एक हेड ऑफ़ इनकम में लॉस हो रहा है, सेम टैक्स ईयर में किसी दूसरे हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसका इसको किसी भी दूसरे जो हेड ऑफ़ इनकम है उसके अगेंस्ट सेम टैक्स ईयर में सेट ऑफ़ करना अलाउड है। सेट ऑफ़ करने से क्या मुराद है कि दूसरे हेड ऑफ़ इनकम में प्रॉफिट होगा और यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस को प्रॉफिट में से माइनस ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है IRIS हमारा जो है वो कर देगा, ठीक है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में अगर आपको लॉस हुआ है तो सेम टैक्स ईयर में इसको भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं जो कानूनी तौर पे अलाउड हेड ऑफ़ इनकम है उनके अगेंस्ट, ठीक है, सेम टैक्स ईयर में। इसके बाद जनाब कैपिटल गेन में अगर आपको लॉस हुआ है तो इसको आप सेम टैक्स ईयर में सेट ऑफ़ नहीं कर सकते किसी भी दूसरे हेड ऑफ़ इनकम के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद जनाब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको लॉस हुआ है तो इसका भी सेट ऑफ अलाउड है कानूनी तौर पर अगेंस्ट अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आइए इसकी जो है ये वाली स्लाइड जो है इसकी डिटेल जो है आगे देखते हैं। तो डिटेल जो है वो ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको क्या हुआ है, लॉस हो गया है तो इसको आप सेम टैक्स ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम अगर आपको हुई है बिजनेस से या कैपिटल गेन से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, यानी कि इन हेड्स में जो इनकम हुई है उससे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल हमारी जो इनकम होती प्रॉपर्टी की उसका जो लॉस है वो सेम टैक्स ईयर में एडजस्ट करना कानूनी तौर पर अलाउड है। इसके बाद सेकंड है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको लॉस हो गया तो सेम टैक्स ईयर में आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको यहाँ किसी भी जगह पे प्रॉफिट हुआ है किसी भी हेड में तो उसके अगेंस्ट उस प्रॉफिट के अगेंस्ट इस लॉस की एडजस्टमेंट कानूनी तौर पर अलाउड है। तीसरा है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको लॉस हो गया तो ये सेम टैक्स ईयर में आप इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन में कहीं भी आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट इस लॉस की एडजस्टमेंट कानूनी तौर पे अलाउड है। अब वीडियो का दूसरा हिस्सा है जी कि नेक्स्ट ईयर लॉस को लेके जाना, यानी कैरी फॉरवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि एक टैक्स ईयर से नेक्स्ट टैक्स ईयर में लॉस को लेके जाना। तो देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में अगर आपको लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर इसको लेके जाना अलाउड नहीं है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में अगर आपको लॉस हुआ है तो इसको नेक्स्ट टैक्स ईयर में आप को लेके जाना अलाउड है अंडर सेक्शन 57। अगर कैपिटल गेन में आपको किसी एक टैक्स ईयर में लॉस हुआ है तो इसको नेक्स्ट टैक्स ईयर में ले जाना अलाउड है अंडर सेक्शन 59। इसके बाद जनाब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो इसको आप नेक्स्ट टैक्स ईयर में कानूनी तौर पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये जनाब ये मुकम्मल डिटेल है, मैंने आपको चार जो सेक्शन हैं सेक्शन नंबर 56, 57, 58, 59 मैंने मुकम्मल आपको जो क्रक्स है उसका वो इस वीडियो में बता दिया है कि मुकम्मल जो डिटेल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये वीडियो एज़ इट इज़ जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंगली बनाई गई है, वहीं से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं।